बिहार की राजनीति में इन दिनों जबरदस्त उथल पुथल देखने को मिल रही है। जनवरी में नीतीश कुमार के हृदय परिवर्तन से सियासी पारा चढ़ा रहा तो पूरी फरवरी में चिराग पासवान सुर्खियों में रहे और अब मार्च में पशुपति पारस राजनीति के गलियारों में हॉट टॉपिक बने हुए हैं। पशुपति पारस ने एनडीए में सीट ना मिलने पर केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐन लोकसभा चुनाव के वक्त एनडीए में उभरी ये कलह किसी रणनीति का हिस्सा है? इस कलह से क्या किसी को कोई फायदा होगा और भविष्य में क्या पशुपति पारस के जाने से एनडीए को किसी नुकसान की आशंका है? नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं गायत्री। बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर एनडीए से कौन कहां से लड़ेगा आखिरकार तय हो ही गया। कई दिनों से चल रही खींचतान के बाद बिहार में एनडीए ने सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय कर लिया है। बिहार में 40 लोकसभा सीट, 17 सीटों पर बीजेपी, 16 पर जेडीयू, 5 पर एलजेपी, 2 सीटों में से एक एक पर हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा यानी कि हम और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा चुनाव लड़ेगी। ये पहली बार है जब बिहार में बीजेपी को जेडीयू से ज्यादा सीटें मिली है। 2019 में बीजेपी और जेडीयू ने 17-17 सीटों पर चुनाव लड़ा था। उस वक्त एलजेपी को 6 सीटें मिली थी, तब एलजेपी में टूट नहीं हुई थी, लेकिन रामविलास पासवान के निधन के बाद एलजेपी में टूट पड़ ही गई। एक गुट चिराग पासवान ने बना लिया तो दूसरा गुट उनके चाचा पशुपति पारस का बना। हैरानी वाली बात यह है कि सीट शेयरिंग के तहत चाचा पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं दी गई। माना जा रहा है कि सारा खेल एक सीट पर लड़ने की जिद के कारण बिगड़ गया। दरअसल पशुपति पारस हाजीपुर सीट मांग रहे थे, जबकि यही सीट चिराग पासवान भी मांग रहे थे। आखिरकार हाजीपुर सीट में ऐसा क्या खास है कि चाचा भतीजे की लड़ाई मतभेद से होते हुए मनभेद तक पहुंच गई और दोनों हाजीपुर सीट को लेकर ही अड़े रहे। आइए बताते हैं आपको हाजीपुर का गुणागणित। हाजीपुर वही सीट है जहां से चिराग के पिता रामविलास पासवान 9 बार लोकसभा सांसद रहे थे और 2019 में पशुपति पारस यहीं से पहली बार चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। हाजीपुर सीट रामविलास पासवान की पहचान से जुड़ी है। रामविलास पासवान खुद को दलितों का बड़ा नेता साबित करने में कामयाब रहे थे और इसी के बूते इन्होंने साल 2000 में अपनी खुद की लोक जनशक्ति पार्टी भी बनाई। साथ ही बिहार से निकलकर रामविलास ने दिल्ली तक अपनी पहुंच भी बढ़ाई। जब वो केंद्र में रेल मंत्री थे तब उन्होंने हाजीपुर में रेलवे का रीजनल ऑफिस खुलवाया, इससे उनकी छवि काम करवाने वाले नेता की बन गई। लेकिन अब जब रामविलास पासवान नहीं है तो उनकी हाजीपुर सीट पर रामविलास के भाई पशुपति पारस और बेटे चिराग ने दावा ठोक दिया है। रामविलास पासवान की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए ही दोनों हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। रामविलास पासवान दलितों के बड़े नेता थे। उनके बेटे चिराग को जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान जिस तरह का समर्थन मिला उससे समझ सकते हैं कि एलजेपी का कोर वोटर अभी भी उन्हीं के साथ है। बिहार की जातिगत जनगणना के मुताबिक बिहार में दलितों की आबादी 20% के आसपास है। इनमें भी पासवान महज 5.5% ही है। पासवान वोटर्स ही एलजेपी का कोर वोट रहा है। बात करें पासवान परिवार की लड़ाई की तो ये फूट रामविलास पासवान के निधन के बाद पड़ी। एलजेपी में एक गुट चिराग पासवान ने बना लिया तो दूसरा गुट उनके चाचा पशुपति पारस ने बना लिया। पासवान परिवार की लड़ाई में अक्सर पशुपति पारस का 0 के तौर पे आंकलन होता है, पर लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि 1-0 बड़े से बड़ा खेल बिगाने में माहिर होता है। वैसे चाचा भतीजे के झगड़े में नुकसान तो एलजेपी के दोनों गुटों का होने वाला है। रामविलास पासवान अपने छोटे भाई पशुपति को कितना मानते थे ये तब सामने आया जब 2019 में जब खुद राज्यसभा गए तो पशुपति को हाजीपुर की सेफ सीट दे दी थी, जबकि वो चाहते तो बेटे चिराग को हाजीपुर से सांसद बना सकते थे। रामविलास पासवान के निधन के बाद जब चिराग ने विधानसभा चुनाव में एनडीए से अलग होकर नीतीश के खिलाफ उम्मीदवार उतरने की रणनीति बनाई तो पारस नाराज हो गए। इस चुनाव में चिराग ने 143 उम्मीदवार उतारे और इनमें से 45 ने जेडीयू उम्मीदवारों को हराने में अहम रोल निभाया। जब चिराग बॉलीवुड में पैर जमाने की कोशिश कर रहे थे तब पार्टी पारस ही चला रहे थे। ऐसे में पशुपति को कमजोर समझना भूल भी हो सकती है। ये कुछ वैसे ही चूक है जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने शिवपाल की उपेक्षा करके की थी, जिसका फल
समाजवादी पार्टी आज तक भुगत रही है। अब जाहिर है कि दोनों अगर एक साथ रहते तो ज्यादा मजबूत होते, लेकिन दोनों की आपसी लड़ाई का नुकसान लोजपा को हो सकता है। अगर पशुपति पारस महागठबंधन की ओर से हाजीपुर सांसदीय सीट से चुनाव लड़ जाते हैं तो चिराग के लिए मुश्किल भी हो सकती है। वहीं सवाल ये भी उठ रहे हैं कि पशुपति पारस के जाने से एनडीए को कितना खतरा है और किसे फायदा होने वाला है। कयास तो यहां तक लगाए जा रहे हैं कि एनडीए से अलग होकर पशुपति पारस का राजनीतिक करियर भी खत्म हो सकता है। राजनीति के जानकार कहते हैं कि चिराग पासवान का राजनीति में भविष्य बचा हुआ है, जबकि पशुपति पारस की उम्र की वजह से अब उनका भविष्य अंधकार में है। हालांकि पशुपति पारस लगातार ये दावा करते हैं कि रामविलास पासवान के असली राजनीतिक उत्तराधिकारी वही है और रामविलास ने खुद जीवित रहते हुए उन्हें हाजीपुर सीट से चुनाव लड़वाया था। अब लोकसभा चुनाव के लिहाज से एनडीए में पारस के पास कुछ नहीं बचा है, तो ऐसे में उनके अगले कदम पर सबकी नजर है। वहीं उनके पास एनडीए से बाहर होने के बाद क्या क्या ऑप्शंस हैं? अब पशुपति पारस के सामने चार रास्ते हैं। पहला, जिद छोड़कर एनडीए में वापसी करें और जो भी मिले उसे खुशी खुशी स्वीकार करें। दूसरा, इंडिया महागठबंधन के साथ जाए। तीसरा, एकला चलो की राह चुने। और चौथा, तीसरा मोर्चा बनाने की कोशिश करें। पहला ऑप्शन तो अब इम्पॉसिबल लग रहा है क्योंकि उन्होंने मोदी सरकार से इस्तीफा दे दिया है। दूसरे विकल्प की काफी चर्चा हो रही है। महागठबंधन में शामिल आरजेडी और कांग्रेस सहित वाम दलों के नेता अब पारस पर डोरे डालने में लगे हैं। चुनाव से ठीक पहले मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने के लिए तेजस्वी की ओर से भी पारस को तवज्जो दी जा रही है। महागठबंधन में पारस को दो सीटें हाजीपुर और समस्तीपुर दी जा सकती है। पारस तीसरा विकल्प भी चुन सकते हैं क्योंकि अपनी राजनीतिक ताकत आजमाने का इससे बेहतर दूसरा कोई विकल्प नहीं है। वहीं पारस अगर चौथे विकल्प का इस्तेमाल कर लें तो किसी का भी गेम बिगाड़ सकते हैं। इसमें पशुपति पारस ऐसे दलों को साथ लाएं जो कि अभी तक एनडीए और महागठबंधन दोनों का हिस्सा नहीं है। इन दलों में पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी, मुकेश साहनी की वीआईपी, असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम और मायावती की बीएसपी शामिल है। जातीय समीकरणों के लिहाज से भी ये सभी दल बड़े खास हैं। इनमें दलितों का प्रतिनिधित्व पशुपति पारस और मायावती कर रहे हैं। मल्ला और निषाद वोटरों को मुकेश साहनी के जरिए साधा जा सकता है। मुस्लिम समाज में ओवैसी बड़े नेता हैं, तो वहीं पप्पू यादव के सहारे यादव वोट बैंक में भी सेंधमारी की जा सकती है। तीसरे मोर्चे को सीटें भले ही ना मिले, लेकिन ये किसी को भी हराने का काम जरूर कर सकता है। चलिए इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें श्रेष्ठ भारत को। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।